हेलो गाइस, कैसे हैं? आए बच्चे होंगे तो आज एक छोटी सी वीडियो और अनलॉक टूल के ऊपर। तो क्या होता है कभी कभी कि प्रॉब्लम्स होता है, अनलॉक टूल कभी खुलता नहीं है या फिर अनलॉक टूल में अपडेटिंग होते रहता है, फिर भी ओपन नहीं होता है। तो एक छोटी सी वीडियो है, अपडेट वीडियो है गाइस कि अनलॉक टूल अगर आपका ओपन नहीं हो रहा है तो आप क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं, वो सारा कुछ हम यहाँ पे आपको मेंशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे गाइस। तो चलिए फटाफट आपको करना क्या है, मैं आपको सिंपल और सिंपल सारा कुछ यहाँ पे करके दिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या चीजें हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, डबल क्लिक कर लेना है और ओपन कर लेना है, सिंपल। और देखते हैं जो कि क्या होता है, क्योंकि हमेशा जब इसका अपडेट आ जाता है गाइस तो ये क्या कर रहा है, ये टूल थोड़ा सा क्या है, अपडेट होना चालू हो जाता है। और किसी किसी का ऐसा भी नहीं है कि ओपन नहीं होता है, इंटरनेट स्पीड होता है या फिर जो भी होता है, तो यहाँ पे ओपन भी हो जाता है। तो फिलहाल मैं आपके सामने लाइव कर रहा हूँ, और अगर आपके पास भी ये फेस आता होगा, अगर ये प्रॉब्लम्स आपको आते होंगे तो जरूर ये वीडियो देखिए, आपके लिए अपडेट वीडियो है। तो चलिए देखिए, अगर आपका लेटेस्ट वर्जन नहीं होगा तो देख सकते हैं गाइस यहाँ पे डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। ये डाउनलोड होगा, फिर कभी खुलता है नहीं खुलता है, तो ये सारी प्रॉब्लम्स, और फिर से आप जब उसको क्लिक करते हैं तो फिर से वही दिक्कतें आती है, सारी कुछ देखने को मिल जाती है। तो इससे अच्छा और बेस्ट तरीका यही है गाइस कि हमेशा अगर इसका अपडेट इस तरीके से आए तो सिंपल और सिंपल आप या तो अपडेट कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। पर बहुत से लोगों का देखा गया नहीं खुलता है, और खुल भी जाता है, पर आप इतना टाइम लॉस करने की कोई भी जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर आप फिर से अगर इसको क्लोज अपडेट भी कर देते हैं, वन टाइम ये यूज भी कर लेते हैं, पर फिर भी अगर आप पुराने सेटअप को खोलेंगे तो फिर से यही चीज मांगेगा। तो ये बहुत सारी परेशानी आ रही थी हमारे स्टूडेंट की तरफ से कि सर ऐसी दिक्कतें आ रही है। तो अब क्या है कि पर्टिकुलर इनको तो बताया जाता है, पर अब ये बग्स हैं छोटे छोटे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। तो चलिए फटाफट इसको क्या किया जाए गाइस कि आपको सिंपल और सिंपल इसको क्लोज कर देना है, आपको इसको क्लोज कर देना है गाइस। यहाँ पे ओके कर देते हैं, क्लोज कर देना है। क्लोज करने के बाद सीधा और सीधा आपको क्या करना है गाइस, सीधे इसके अनलॉक टूल के आपके साइड में चले जाना है, अनलॉक टूल के साइड में चले जाना है। और अनलॉक टूल के साइड में जाने के बाद सिंपल और सिंपल आपको डाउनलोड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। अब डाउनलोड के ऑप्शन में आइए, और जो भी आपका लेटेस्ट वर्जन चल रहा होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं आज भी अपडेट आ गया इनका, तो ये 4 जो ये वर्जन दिखाई दे रहा है, बेसिकली डेट बताता है कि जो डेट के अकॉर्डिंग आपने जो अपडेट ऑन देखे यहाँ पे लिखा हुआ, 4 मई का ये अपडेट आया है, 254 पे अपडेट ही आया हुआ है गाइस। तो ऑटो अपडेट तो ये कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। देख सकते हैं यहाँ पे जो अपडेट इनका है अभी, जो बता रहे हैं कि FRP सैमसंग का कोई भी मॉडल हो, कोई भी एंड्रॉयड वर्जन हो, हम उसकी FRP वन क्लिक में रिमूव कर देंगे, जैसा कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। और सिंपल और सिंपल अब आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे इसको डाउनलोड कर लेना है। तो वहां से अपडेट ना करके सीधा और सीधा आप यहाँ पे डाउनलोड कर लें। डाउनलोड आप 3 तरीके 4 तरीके से कर सकते हो, मीडिया फायर, गूगल ड्राइव, और यहाँ पे ब्रांड वाइज, और यहाँ पे देख सकते हैं सीधा डाउनलोड नाउ पे क्लिक कर देंगे तो भी हमारा ये डाउनलोड होना चालू हो जाएगा। तो फिलहाल मैंने यहाँ पे गूगल ड्राइव का यूज किया हुआ है, तो गूगल ड्राइव को यहाँ पे देखिए, अब ये भी एक प्रॉब्लम है कि कभी कभी साइट्स नहीं खुलती है। तो एक चीज मैं अभी और आप वीडियो बने रहे, एक चीज मैं और एरर आपको बताऊंगा कि क्या एरर देखने को मिल सकता है। अब नहीं हुआ तो सीधा सीधा आप डाउनलोड पे क्लिक कर लीजिए। कभी कभी क्या होता है साइट खुल जाती है, कभी कभी साइट नहीं खुलता है, तो सिंपल और सिंपल इसे कर लेता हूँ ओके। तो ये गूगल ड्राइव सबसे बेस्ट ये है कि आप गूगल ड्राइव से खोलें, क्योंकि मैं इसको भी बताऊंगा क्यों ऐसा मैं बोल रहा था, नहीं तो आप डाउनलोड पे क्लिक कर देते हैं। तो थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ क्योंकि ये डाउनलोड हो जाए, और जैसे डाउनलोड हो जाता है तो मैं फिर से आपके सामने आ जाता हूँ गाइस। तो गाइस देख सकते हैं ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। अब कभी कभी ये भी एक प्रॉब्लम देखा गया है कि जब ये जिप में नहीं रहता है गाइस, तो मैं आपको कंप्लीट एरर के ही बारे में सोल्यूशन देने वाला हूँ। कभी कभी क्या होता है, चाहे विंडोज 7 हो चाहे विंडोज 10 हो, तो जब हम इसको डबल क्लिक करते हैं गाइस तो ये ओपन कभी नहीं होता है। जैसे ये देखिए अभी हम यहाँ पे कर रहे हैं, तो कभी कभी क्या होता है गाइस कि ओपन नहीं होता है और हो भी जाता है। और मान लीजिए अगर किसी का ओपन नहीं हो रहा है, जैसे सपोज अभी ये ओपन हो जाता है, तो ठीक है नहीं होता है तो भी मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। तो आपको करना क्या है गाइस, आपको यहाँ पे जाना है, इसको जिप में बना लेना है आपके सॉफ्टवेयर के थ्रू। देखिए जैसे ओपन नहीं हुआ अभी तक, तो आपको यहाँ पे क्या कर लेना है, जाना है ऐड टू आर्काइव में, जाना है उसको ओके कर देना है। अब इसको जिप में बना लेना है। अगर गूगल ड्राइव से, ये चीज़ मैंने बोला था गूगल ड्राइव से डाउनलोड करने के लिए, तो गूगल ड्राइव से क्या होता है, जिप फाइल में आता है। बट आप डाउनलोड नाउ पे, अगर यहाँ पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे तो अनजिप में आएगा, अगर आप इसको गूगल ड्राइव से करते हैं तो जिप में आता है गाइस। तो कंप्लीट वीडियो में एरर्स के बारे में कंप्लीट वीडियो में बना रहा हूँ यहाँ पे गाइस। तो जिप हो गया है, अब इसको आप डिलीट कर दीजिए या रखे रह दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख सकते हैं अभी शायद वो ओपन हो रहा है, वो ट्राई नाउ मतलब ओपन हो रहा होगा, अभी ओपन बेसिकली नहीं हुआ है। तो देखिए ओपन हो चुका है।
अगर यही सब अगर मान लीजिए नहीं होता, देख सकते हैं यूजिंग लेटेस्ट वर्जन हो गया है, अगर ये डबल क्लिक से नहीं होता गाइज तो फिर आपको क्या करना है, इसको जिप में बना लेना है, जिप के अंदर से डायरेक्ट जाना है और यहाँ से डबल क्लिक करना है तो ये ओपन हो जाएगा। ये भी एक बार देखा गया है कि ये प्रॉब्लम्स, तो ये कभी कभी होता है विंडोज 10 या 7 के अंडर में, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है गाइज। आपको यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश किया है, तो अगर ओपन हो गया तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो इसको जिप पे बना लीजिए, जिप पे बनाने के बाद डायरेक्ट जाइए और डायरेक्ट जाने के बाद यहाँ से ओपन कर दीजिए, ओपन हो जाएगा। तो ये छोटे मोटे एरर्स के बारे में वीडियो था गाइड, ये मेरा आज का वीडियो जो था, तो सिंपल सिंपल अब तो ये हमारा हो गया, वैसे हम कर देंगे लॉगिंग और लॉगिंग सिंपल हो जाएगा। तो ये हमारा केवल लॉगिंग एरर्स के बारे में था कि ओपन अगर अनलॉग तो नहीं हो रहा है, हम परेशान हो रहे हैं। तो आप ये कंप्लीट वीडियो आपने देखा तो आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है गाइस तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बट अब इसके इंटरफेस को डीपनी में डीप नॉलेज में जानने के लिए आपको गाइस इसे टेलीकॉम इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना होगा, जो कि यहाँ पे लाइन में आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आप डिस्क्रिप्शन पे जा करके आप हमारा इंस्टीट्यूट विजिट करिए, जल्दी से सीट बुक करिए। तो ये सारे इंटरफेस, क्योंकि मैं कितना भी अगर आपको यहाँ पे यूट्यूब में बताऊंगा तो नॉलेज आपको नहीं मिलने वाला है गाइस, जब तक आपको मैं यहाँ पे बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं दूंगा। तो ये सारे ऑप्शंस यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस आप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे ऑप्शंस के बारे में अपने क्लास में हम बताते हैं आपको कि क्या यूज़ है क्या यूज़ नहीं है, सारा कुछ हम यहाँ पे बताते हैं पूरे वीडियो में गाइस। तो हर एक सेक्शन की कौन कौन सा, हर एक टैब, जो जितने टैब हैं काम के टैब होते हैं, अभी जो सैमसंग का आ रहा है, ये सैमसंग का आप देख सकते हैं कितना वन क्लिक में है, क्या है कैसा है, ये हम सारे वीडियो में कवर नहीं कर सकते हैं। तो आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना पड़ेगा गाइस, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, ऐसे टेलीकॉम ज्वाइन करिए, दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे जल्दी से जाइए और ज्वाइन कीजिए, जिसमें आपको काफ़ी सारा अपडेट देखने को मिलेगा। और हमेशा जो भी पढ़ाया जाता है यहाँ पे अपडेट वर्जन से ही पढ़ाया जाता है, ऐसा नहीं कि डाउनग्रेड वगैरह से ऐसा कुछ पढ़ाया जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है गाइस। देख सकते हैं यहाँ पे रिमूव एफआर भी हाईलाइट भी दिखाई दे रहा है 2022, और इसके ड्राइवर्स के एरर में और इसके ड्राइवर के बारे में भी हम डीप नॉलेज देते हैं अपनी क्लास में, कि अगर मान लीजिए ड्राइवर डिटेक्ट नहीं हो रहा है और काफ़ी सारे अभी परेशान भी हो रहे हैं, उन्होंने तो पोस्ट बना दिया है पर अभी भी दिक्कतें आ रही है लोगों को सही नॉलेज नहीं होने की वजह से। तो गाइज फटाफट जाइए और दिए गए डिस्क्रिप्शन में नंबर पे इंस्टीट्यूट पे कॉल करिए, कॉलिंग टाइम है आपका 12 से 5 के बीच में, और अपना सीट बुक कराइए। और हार्डवेयर सॉफ्टवेयर रिमिमसी फुल कोर्स करिए, जिसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर का पूरा नॉलेज यहाँ पे दूंगा अपनी क्लास में। और ऐसा नहीं कि यही बस टूल है, और भी जितने फ्री टूल हैं उसमें भी हम आपको पूरा सिखाएंगे A to Z। तो आई होप वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि ये आपका एरर अगर आ रहा था तो आपने प्रॉब्लम सॉल्व किया कि नहीं किया। थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में गाइस।